तो इस बार कमोबेश सबकी बल्ले बल्ले है, चाहे वो बैंकिंग हो, एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे वो रूरल इकोनॉमी हो और देश की इकोनॉमी हो, क्योंकि मॉनसून पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मेरे साथ एक खास मेहमान विजय सरदाना जुड़ चुके हैं, एग्री एक्सपर्ट हैं, रूरल इकोनॉमी पर, देश की इकोनॉमी पर भी अपनी पकड़ रखते हैं। मिस्टर सरदाना, स्वागत है आपका शो में। आईएमडी ने 106% तक मॉनसून की उम्मीद जताई है, जो कि अच्छा मॉनसून कहा जाएगा अगर होता है तो। सवाल यह है कि आप इसका असर क्या देखते हैं रूरल इकोनॉमी पर, क्योंकि पहले बजट और उसके बाद अच्छा मॉनसून, दोनों कहीं ना कहीं देश की रूरल इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। देखिए, भगवान की कृपा है अगर 106% हो जाता है, इस देश के लिए अच्छी बात है, क्योंकि सरकार ने बजट एग्री फोकस दिया है और अब प्रकृति के साथ देती है तो निश्चित रूप से अच्छा है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि जो एवरेज का खेल है 106%, पिछली बार भी हमने देखा कि कुछ क्षेत्रों में सूखा था और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ थी, लेकिन एवरेज में सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो ये एवरेज का जो खेल है नेशनल लेवल पे, मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है जब आईएमडी को एवरेज नेशनल लेवल पे ना करके स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर फोरकास्टिंग करें तो उससे हम बेटर प्लानिंग कर पाएंगे, उससे जो संसाधनों का जो एडवांस प्लानिंग है वो हो पाएगा। क्योंकि नेशनल एवरेज बहुत ही रिस्की है कंट्री लाइक इंडिया के लिए, क्योंकि हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में फ्लडिंग था, बंगाल के कुछ पार्ट्स में फ्लडिंग था, बाकी में सूखा था, साउथ में कब जगह फ्लडिंग था, बाकी जगह सूखा था। तो ये जो एवरेज है मुझे इसमें चिंता की बात लगती है। लेकिन पिछली बार जिस तरह से सामान्य से 14% कम बारिश थी, 2014 में 12% कम बारिश थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा नहीं था। मैं आपके पास आऊंगा मिस्टर मलावत, इस बार आईएमडी कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है बारिश का, हालांकि साउथ के कुछ इलाके और नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कहा है कि थोड़ी बारिश कम हो सकती है। तो जो आशंका यहाँ पर सरदाना जी जाहिर कर रहे हैं, क्या इस बार भी वो आशंका देखने को मिल सकती है या इस बार उससे अच्छी कंडीशन है? देखिए, जो तमिलनाडु और उसके आसपास के जो साउथ इंडिया कर्नाटका है उसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून में बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रेन शेडो इलाका है। तो उस इलाके में तो इस बार भी जो साउथ वेस्ट मानसून है थोड़ा कमज़ोर रहेगा और नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन सेंट्रल इंडिया में खास करके जो आपका मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, MP, ईस्ट राजस्थान, इन इलाकों में अच्छी बारिश। बहुत अच्छी बात।